Assalamu alaikum, my dear students. Today I am here to have few words for our NEET aspirants who are going to appear in the NEET in exams day after tomorrow. Mere pyare bachcho, ab to we can't debate this time your preparations and all that. कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है. वी वुड गो बाय दिस नॉर्म कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी मेरे बच्चों. लेकिन प्रिपरेशन अच्छे होने के साथ साथ जो है बेटा, ये जो पूरा आपने 11th से लेकर 11th 12th नीट की कोचिंग की होगी या रिपीटर जो हमारे पास थे उनने कोचिंग की, इट्स ऑल अबाउट दैट डे नाउ. अब हम आपको ये डिबेट नहीं कर सकते कि आप बेटे मेहनत कर लो, पढ़ लो. द टाइम हैज गॉन एंड दिस इज द टाइम टू डिलीवर. और इस टाइम बेटा आपने अपने आप को होल्ड करना है टू बैक योर प्रिपरेशन. मेनी स्टूडेंट्स हैविंग ए टेरिफिक प्रिपरेशन, दे फेल टू बैक देमसेल्व्स एंड दे डोंट व्हाट यू कॉल्ड एज डिलीवर वेल. तो क्रिस्टल क्लियर मेरे बच्चों, में मुझे पता है कि योर टाइम इज वेरी वेरी व्हाट यू कॉल्ड एज प्रेशियस एनफ. मैं कुछ दो चार बातें यहाँ पर करूँगा कि आप डिलीवर कैसे करेंगे बेटे. देखो बेटा, आज जो बेटे हम बात कर रहे हैं ना, देखो कल की रात पहली बात मैं आपसे कहूँगा, जो 12th की नाइट होगी उसमें आप बेटे ठीक ठाक आराम करो भाई. बेटा यू टेक रेस्ट, डोंट व्हाट यू कॉल्ड एज एग्जॉस्ट यूर सेल्फ, बिकॉज डे आफ्टर टुमारो यू हैव टू प्रिपेयर इन द एग्जाम. तो ये पहली बात मेरे बच्चों कि एग्जाम से पहले जो नाइट है उसमें आप आराम ठीक ठाक करो, ताकि आपको वो यू रिमेन फिजिकली वेरी फिट एंड मेंटली यू रिमेन अलर्ट, क्योंकि फिर डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. On that night, if you would what you called as you would remain awake for the what you called night, and उसमें बेटा आपका कल हो सकता है कि stomach upset हो जाए, क्योंकि यहाँ से आप you are under huge pressure. तो पहले मेरी ये बात है. देखो बेटे, कल से मुझे कुछ students phone कर रहे थे, सर कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अब याद कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ याद नहीं रहा, मतलब we don't remember the things properly. देखो बेटे, ये सबसे गलत practice आप इस time कर रहे हैं. इस टाइम देखो आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो आखिरी लम्हे तक रिवाइज करते हैं बेटे. तो उन बच्चों के लिए जो आखिरी लम्हे तक रिवाइज करते हैं, जैसे क्लास कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वी डू इट लाइक दैट, उनके लिए मेरी यही मैसेज है मेरे बच्चों कि आप अभी याद करने की कोशिश मत करो. जस्ट थॉरोली पेजेस, यू जस्ट टर्न द व्हाट यू कॉल्ड एज पेजेस, थॉरोली लुक इनटू देम. आप याद करने की कोशिश नहीं करो. आपको याद है, मैं आपको आई गारंटी यू 100% दैट यू हैव डन इट, इट्स बैक इन योर माइंड. लेकिन मेरे बच्चों अभी आप याद करने की कोशिश मत करो. जस्ट टर्न द पेजेस, जो भी आपके वहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे उन पर नजर पड़ेगी एंड दे वुड बी बैक इन योर माइंड, दे वुड रिमेन देयर. बेटा इस वक्त याद करने की कुछ जरूरत नहीं है. फॉर्मूलाज को थोड़ा सा आप देख लो, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको थोड़ा देख लो बेटा. बाकी आपने वो याद किया है, बट यू हैव बीन डूइंग रिगरस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 6 months और व्हाट यू कॉल्ड इज नाउ, बिकॉज एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गॉट डिलेड. तो आप वो परेशानी में मत रहो बेटे. थर्ड थिंग, जिसमें जब आप जाते हैं बेटे एग्जाम देने, सुबह सबसे एक इस वक्त इंसान या तो एक्साइटेड होता है या तो डिप्रेस्ड होता है, ये और स्ट्रेस्ड होता है बेटा. अपनी चीज़ें मतलब ना शाम को ही, यानी 12th September को कि शाम को ही आप पैक कर लो जो भी है आपके बेटे. जिस टाइम अराउंड यू हैव बीन आस्क्ड टू बी विद द सैनिटाइजर, आपके साथ होना चाहिए, ग्लव्स आपके साथ होने चाहिए बेटे, जो आपकी कॉपी है या जो आपका ये है बेटा पेन है, पेंसिल है, व्हाट्स एवर ऑल द गैजेट्स यू रिक्वायर देयर, उनको मतलब रख लो बेटे. क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल तक पहुँचते हैं फिर आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है, या जो आपकी है बेटा रोल नंबर स्लिप, उसको एडमिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो आप अपने साथ रख लो. क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है बेटा, बच्चा पहुंच जाता है एग्जाम हॉल में, उसको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ. ये परेशानी का सबब बन सकता है, इट कैन डिरेल यू. लिटिल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोल रहे होंगे सर छोटी छोटी बातों पे हमें ये कह रहे हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट. क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैंने देखा है बेटे, कभी इंसान एग्जाम हॉल में पहुंचता है वो पेन भूल गया होता है या कभी एडमिट कार्ड भूल गया होता है. तो इट पुट्स यू अंडर अननेसेसरी स्ट्रेस. आप मतलब आप बिखर जाते हैं, आप जल्दी में हड़बड़ाहट में आ जाते हैं बेटा, एंड यू कैनॉट कैरी योर मोमेंटम फॉरवर्ड. तो ये मसला रहता है बेटे. ये तीसरी चीज़. चौथी चीज़ मेरे बच्चों, जब आप पेपर ले लो, हाथ में आप पेपर लेंगे ना, तो यू हैव व्हाट यू कॉल्ड जो आपको क्लास में हम बताते आ रहे हैं, जो कॉमन सेंस की चीज़ है, स्टार्ट विद द बायो. क्योंकि बायो में अगर आप करते हैं यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश करो बायोलॉजी पेपर में, और वो पुट दैट इन द केमिस्ट्री. एंड लास्ट में पहले आप बायोलॉजी परफॉर्म करेंगे बेटे, फिर जाके आप केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री का पार्ट करेंगे, लास्ट में आप बेटे फिजिक्स कर लेंगे. और सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात यहाँ पर सुनो, जो आपको बड़ी छोटी चीज़ लगेगी मगर है बेटा बहुत बड़ी,
क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट व्हाट यू कॉल्ड एज 1-3 आवर्स, इट्स ऑल अबाउट दैट कितनी भी ना आपकी प्रिपरेशन हो, अगर आपने खुद को कंसोलिडेट नहीं किया, खुद को पैक नहीं किया बेटा, कॉन्फिडेंट नहीं रहे बेटे, खुदा ना खवास्ता आपकी 3 साल या 4 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। गॉड फॉरबिड दैट डज नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन एट ऑल माय स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जब ने आपने बायोलॉजी में स्टार्ट किया तो आप जब स्टार्ट कर रहे बेटे, पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, व्हाट ये जो अक्सर बच्चे मुझे शिकायत करते हैं, सर वहाँ पर आसान क्वेश्चन गलत हो गया बेटे। अगर आसान क्वेश्चन आप बेटा गलत करते हैं ना, इट्स सुसाइडल, जस्ट लाइक यू आर व्हाट यू कॉल्ड मेकिंग ए सुसाइड। क्योंकि जब आप गलत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन गलत कर लेते हैं बेटे, तो टफ क्वेश्चन परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है। उन छोटी छोटी मतलब गलतियों को आपने वहाँ पर देख लेना है कि वो आपसे कोबटना हो जाए। आप मेरे बच्चों देखो, वाइल फिलिंग एक और चीज़ हमारे वहाँ पर आती है, सर मुझे एक क्वेश्चन आया था मगर मैंने की में गलत भर दिया, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज माई डियर स्टूडेंट। आप प्रॉपरली जो क्वेश्चन आपने किया उस पर फिंगर रखो या उस पर मार्क करके रखो, यहाँ पूरा देख लो OMR शीट पे कि आप यही क्वेश्चन बेटे एनसर्कल कर रहे हैं, इसी को आप बेटे का डार्क कर रहे हैं बेटे। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स मैटर। वहाँ आप क्वेश्चन व्हाट यू कॉल्ड एज क्वेश्चन बुकलेट से आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको मार्क करो, यहाँ प्रॉपरली मैच करो कि मैंने इसी व्हाट यू कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल को एंसर या डार्क किया बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मेरे बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आसान क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ने का एक तरतीब होता है बेटे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कभी वहाँ क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ऑफ सिक्यूब कर लेते हैं, या कभी वहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, जो मैं क्लास में भी आपको बोल चुका हूँ बेटे। तो इन चीज़ों क्वेश्चन पढ़ना, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो क्वेश्चन, फिर बड़े अलर्ट रहो बेटा। दिस बोथ आवर्स वुड मैटर लॉट, वो बहुत मैटर करते हैं मेरे बच्चों। ये छोटी छोटी आप बोलेंगे सर इज व्हाट कॉल्ड इज, ये तो पता ही है, लेकिन तब भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कहाँ पर अच्छे बच्चे मात खाते हैं, वो आर दे गेट डिफीटेड। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपने बहुत कंट्रोल करना है। तीसरा चीज़ बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप केमिस्ट्री पोर्शन में जाएंगे या फिजिक्स पोर्शन में जाएंगे, क्या होता है वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बेटे, डोंट गेट सेट अप, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स व्हाट कॉल्ड एज गेट अक्रॉस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है उस पर आप 2-4 बार ट्राई करते हैं, डोंट डू दैट, दैट इज अगेन सुसाइड, नॉट सेट अप, किसी पॉइंट पर सेट अप मत हो जाओ, नहीं आ जाता है तो गो फॉरवर्ड। पहले मतलब आप यू डू 3 राउंड्स इन यूर केमिस्ट्री और फिजिक्स पेपर बेटा, पहले राउंड में आप देख लो जो जो क्वेश्चंस आपको थॉरली आते हैं, जिनमें बिल्कुल 1 मिनट आपको लगता है आप कर लेते बेटे, और फिर उसके बाद मेरे बच्चों आप दूसरे राउंड में आ जाइए उन क्वेश्चंस पर जिसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पहले सेटक हो जाए, भले वो लास्ट में 4 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आप सिटक होगे, लेकिन वो 4 क्वेश्चन इतना कंज्यूम टाइम करेंगे आपका कि आप पेपर में फिर क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, और आपको हड़बड़ाहट में क्वेश्चन यू वुड बी इन अ हरी, तो उसमें आप की भी गलत कर लेते हैं, सोचने का भी तकाजा थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है, तो वो बिल्कुल सटक ना हो जाए। दिस इज द व्हाट यू कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुडंट सटक, सटक होने का कोई फायदा नहीं है, चलो नहीं आता छोड़ो। एंड इट इज समथिंग लाइक दैट, कभी ये भी होता है आप पेपर स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, पहले 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आए, डोंट गो ऑन टू द बैक फुट, देखो यार अभी 4 क्वेश्चन नहीं आए, अभी तो 41 आने बाकी है, यू कैन डू ऑल द 41 करेक्ट, डोंट लूज यूर कॉन्फिडेंस, डोंट लूज यूर व्हाट यू कॉल्ड एज दिस अलर्टनेस, उसमें आपने वो नहीं करना बेटे, स्टक नहीं होना। चौथी बात आपने याद रखी, स्टक नहीं होना बेटे, स्टक बिल्कुल नहीं होना, दिस इज सुसाइड। उसके बाद मेरे बच्चों व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने फॉर इंस्टेंस रखे थे पहले राउंड में, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाद में सभी क्वेश्चंस को मतलब ऐसे ही कर लेते हैं इन अ वाइल्ड मैनर, तो वो बिल्कुल नहीं है बेटा, दैट शुड नॉट बी डन। आप उन्हीं क्वेश्चंस को गेस कीजिए जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी है, देखो यहाँ से 25% की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 यानी कि 1 मार्क आपका कट जाता है फिर, क्योंकि 1 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स देयर, तो इसमें क्या करना है बेटे, आप फिर उन्हीं क्वेश्चंस को गेस कर लो, उन्हीं पे बेटे आप तुका मार लो, जिनको आप एटलीस्ट यू आर क्लियर कि ये 2 ऑप्शन इनमें नहीं है, यू आर डूइंग व्हाट यू कॉल्ड एज 2 ऑप्शंस यू आर इजिली एक्सक्लूडिंग, तो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं बेटे, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, वो भी मतलब पूरा सोच समझ के बेटा, ये गेस भी करना होगा 2 ऑप्शन के बीच में भी, तब भी दिमाग लगाना है, तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है बेटे। अल्लाह व्हाट कॉल्ड एज ब्लेस यू ऑल, ये हमारी तरफ से हमारे बच्चों को, सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को, इन पर्टिकुलर टू आवर ओन स्टूडेंट्स बेटा, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम हुक क्लासेस, आई विश यू व्हाट कॉल्ड एज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, उनकी तरफ से बेटे मैं आपको बेस्ट विशेज
आई विश यू व्हाट यू कॉल इज बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप कि यू वुड कम आउट टू बी व्हाट यू कॉल सक्सेसफुल. आप बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह बेटे. अपनी प्रिपरेशन को बैक करो, अपनी कॉन्फिडेंस को बेटे, अपने आप को कंसोलिडेट करो बेटे. एंड वी वुड होप क्लासेज इज वेटिंग टू ईगरली वेटिंग टू पब्लिश अवर व्हाट यू कॉल्ड एज वेरी व्हाट यू कॉल्ड एज ह्यूज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होम वी आर व्हाट यू कॉल्ड एज एक्सपेक्टिंग दे वुड बी इन द टॉपर. एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये जनरल स्टूडेंट सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है बेटे. अपनी प्रिपरेशन को बैक करो, अपनी कॉन्फिडेंस को बेटे बरकरार रखो. डिलीवरी जो है बेटे इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग इन दोज व्हाट यू कॉल्ड एज आवर्स दैट वुड डिटरमाइन योर फ्यूचर. एनी वे आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ए ब्राइट फ्यूचर अहेड. थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर व्हाट यू कॉल्ड एज. अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप इस नसीहत को एग्जीक्यूट कर लीजिए. दिस ऑल फ्रॉम योर फिर दोस्त सर. कीप व्हाट यू कॉल्ड एज होपिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बी इन अ फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड. थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी.